हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेज़ वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर फिन निफ्टी यूजिंग इंस्टा डेट एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। तो चलिए हम चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एंजल वन की एप्लीकेशन को होम पेज में आ चुके हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इंस्टा डेट एफएनओ के ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे आप सेम विंडो में ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं, और तो और आप अपना फेवरेट इंडिकेटर भी इस जगह से लगा सकते हैं। ये रहा आपका डायनेमिक चार्ट, और इस जगह से आप अपने पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो में देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिन निफ्टी 30 मई 2023 का चार्ट लगा हुआ है। फिन निफ्टी ने आज लास्ट ईयर लिया है 19,254 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 19,272 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 19,201 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 19,095 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 19,366 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है 19,466 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 19,556 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिन निफ्टी के मार्केट हमारे सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल से, जो कि है 19,466 के लेवल से, साथ ही साथ 19,440 के लेवल से एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल बनता हुआ दिख रहा है। इन केस अगर कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 19,272 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ अगर सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 19,201 का। और इसके साथ हमें फिन निफ्टी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और इन केस अगर कल के डेट फिन निफ्टी मार्केट में गैप अप नहीं होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 19,366 का। और अगर मार्केट से इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाती है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 19,466 का। इसके साथ हमें फिर निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय करें। इन केस अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बेयरिश रह सकता है, देन आप सेल करें। बाय करने के लिए मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहां एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना, मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है, उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ कंफर्म बाय कंफर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी जाकर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करें।